मेरा नाम अनिल थोरात है, महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक मालक प्रतिनिधि संगठन का मैं महाराष्ट्र का राज्याध्यक्ष हूँ। गए कोविड के बाद में आज तक यहाँ पर प्रभारी राज चालू है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट ऑफिसर न होने की वजह से और वहाँ पर जो ऑफिसर काम कर रहे थे, जो प्रभारी रहते उनको अगर हमने कुछ काम बोले तो बोलते कि मेरे पास टेम्पोररी चार्ज है, मेरी कहाँ कंप्लेन करना है करो। उनका अधिकारियों की इतनी अरेरावी बढ़े वाली है कि अधिकारी किसी को मिलने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल जो अधिकारी है जिसके पास मेन काम है वो सविता पवार नाम के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, उसके पास एआरटीओ का चार्ज है। वो मैडम अपने चैम्बर में बैठते नहीं, किसी से बात करते नहीं, अगर उनसे कुछ बात करने को कोशिश करे तो वो आदमी के अंग पे आती है और अगर अपन ने थोड़ा भी आवाज़ बढ़ गया तो मैडम का कहना रहता कि मेरे से अगर तुमने थोड़ी भी ऊंची आवाज़ में बात करी तो मैं तुम्हारे ऊपर विनय भंग की तकरार दाखिल करूंगी। इसके पहले दो तीन कर्मचारियों ने अरेरावी करने के बाद में हमने रिकॉर्डिंग मांगे, वो रिकॉर्डिंग देते नहीं, उनके फेवर का कुछ कराया तो फिर वो बराबर रिकॉर्डिंग देंगे, ऐसा करेंगे। अरे इंटेंशनली वो मैडम को मालूम नहीं क्यों क्या बात है, लेकिन जो पेपर लगाए वाले रहते वो पेपर निकाल लेने के और डिले पेपर करते रहने का ये और पब्लिक को हरेश करने का। एक तो उसके चैम्बर में बैठती नहीं वो मैडम, ऐसे क्या वो इंस्पेक्टर है, उसको चार पीए और दो बॉडी गार्ड है। हमारी मांगनी क्या है? हमारी मांगनी है कि यहाँ पर परमानेंट ऑफिसर्स होना और दूसरी बात हमारी सबसे बड़ी मांगनी है कि जो मैडम के पास चार्ज दिया वो हमारे हिसाब से ये नहीं है, क्या बोलते सीनियरिटी को पकड़ के नहीं है, सबसे सीनियर इंस्पेक्टर के पास एआरटीओ का चार्ज होना, वो मैडम के से चार्ज तुरंत निकाल ले। अगर आपकी मांगनी पूरी नहीं है तो अगला कदम क्या होगा आपका? हम उपोषण को बैठे, अब उपोषण के बाद क्या होता है, हमारा उपोषण का क्या होता है आपको पता है। तो कितने दिनों से चल रहा है ये? आज से चालू करे हमने। आठ महीने से मैडम कहे सबसे आप क्या कर रहे थे आपको जो है इसके बाद में पहले क्या होगा था कि तीन चार महीने मैडम ने बोली मैं नहीं हूँ और एक लेडीज को चांस देना बोलकर हमने उनको सुन लिया। उसके बाद में वो मैडम को समझाने की कोशिश करे, टोटल काम रुके, कौन से ट्रांसपोर्ट सेक्शन के पूरे काम रुक रहे, गाड़ी पासिंग नहीं हो रही है ना, गाड़ी पासिंग ही अनदर पार्ट है, गाड़ी का जो ट्रांसफर है, गाड़ी का एचपी एंडोर्समेंट है, एचपी कैंसलेशन है, गवर्नमेंट के आरआर है, जीआर मैडम वो जीआर को कंसिडर नहीं करती। एक जीआर है गवर्नमेंट का कि चार साल से ज़्यादा तुम प्रोफेशनल टैक्स नहीं मांग सकते, वो मैडम बोलती कि ये जीआर मेरे को मालूम नहीं है, मैं इसके बारे में स्टडी करूँगी और बाद में बोलूँगी। मेरा नाम अनिल थोरात है, जयसवाल साहबानी म्हटले की मी स्वतः ते बघतो, मुख्यमंत्र्यांना मी फोन करतो आणि तुम्हाला आरटीओ मिळून देतो असं जयसवाल साहेबांचं आमचं बोलणं झालं। पण त्यांनी तेच सांगितलं की आरटीओ औरंगाबादला 3 वर्षापासून नाही, मागील 3 वर्षापासून प्रभारी राज चालू आहे। प्रभारी राज असा आहे ज्याला मनाला येईल तो काम करेल, ज्याला नाही करायचं तर ना करणार नाही, अशी परिस्थिती औरंगाबाद आरटीओ ऑफिसची आहे। हे रिजनल आरटीओ ऑफिस आहे आणि आता सध्याची परिस्थिती आहे की महामंडळाचं रिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळ डिक्लेअर झालं आणि त्या महामंडळाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरटीओ हा आवश्यक आहे। आरटीओला ही आरटीओ ऑफिसला आरटीओ मिळावा हे आमचं म्हणणं आहे। काय नाव आपलं? माझं नाव निसार अहमद खान, रिक्षा चालक महासंघाचा अध्यक्ष। तुम्ही यांना पाठिंबा दिलेला आहे? हो, वाहन चालकांना आमचा पाठिंबा आहे ना।